हमारा जो एड्रेस रहता है वो सबसे पहले इंट्रक्शन का फर्स्ट एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रहता है। प्रोग्राम काउंटर से जो एड्रेस डायरेक्ट मेमोरी में नहीं आता है, सबसे पहले एड्रेस रजिस्टर आता है प्रोग्राम काउंटर से। एड्रेस रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर का जो आउटपुट पिन होता है वो मेमोरी के जो इनपुट एड्रेस पर कनेक्ट रहता है। जो मेमोरी का जो इनपुट पिन होता है एड्रेस का, उनसे जुड़ा रहता है और यहीं से एड्रेस रजिस्टर से ही मेमोरी में आता है। तो सबसे पहले पीसी से एड्रेस रजिस्टर में आता है एड्रेस, इसके बाद हमारा जो है मेमोरी में कई सारे ब्लॉक होते हैं। हमारा जो मेमोरी होते हैं वो लाइन बाय लाइन ब्लॉक में हमारा इंस्ट्रक्शन रखा रहता है और हर ब्लॉक का जो है एड्रेस रहता है। तो एड्रेस जैसे ही आता है तो वो ब्लॉक्स को ओपन कर देता है, खोल देता है, और जैसे ही हमारा कंट्रोल सिग्नल रीड मेमोरी का जो रीड वाला पिन है उसको एक्टिव कर देता है, तैसे ही हमारा डेटा बस में लोड होता है। और लोड होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन को लोड करता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को लोड करता है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन डेटा बस में लोड होगा और लोड होने के बाद जो है डेटा बस से, हम पहले भी बताए हैं कि जब भी डेटा या एड्रेस डेटा बस में लोड होता है तो वो कहीं भी जा सकता है। जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन डेटा बस में लोड होता है तो वो जो डेटा बस से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डायरेक्ट यहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हमारा जो इंस्ट्रक्शन जाएगा। और इंस्ट्रक्शन जो है हमारा इंस्ट्रक्शन का जो लेंथ है वो 16 बिट का रहता है। तो यहाँ जो ब्लॉक रहेगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रजिस्टर हो जाएगा, एंटर हो जाएगा हमारा इंस्ट्रक्शन। तो उसको जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो आउटपुट पिन है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया है, यानी अलग अलग भाग में हमारा जो इंस्ट्रक्शन डिवाइड होने वाला है। यहाँ जो इंस्ट्रक्शन का जो लास्ट वाला बीट है अगर ज़ीरो होता है तो हमारा जो डेटा है यानी एड्रेस वाले जो पार्ट है वो वास्तव में एड्रेस है। अगर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर जो है मतलब इंस्ट्रक्शन ये मोड को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो है फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है और ये फ्लिप फ्लॉप्स कंट्रोल लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 बिट जो है डिकोडर से जुड़ा हुआ है और ये बाइनरी फॉर्म में रहता है। एक नंबर होता है बाइनरी फॉर्म में यहाँ पर आता है और यहाँ पर जो है 7-8 पिन यहाँ से डिकोडर से निकला हुआ, तो इसमें से एक पिन को सिलेक्ट करिएगा। जो 8 पिन है इसमें से एक पिन को एक्टिव करेगा, यानी हर पिन का जो है अलग अलग ऑपरेशन कर सकता है। मान के चलो हमने पहले से ही फिक्स करके रखते हैं कि ये वाला पिन एक्टिव होगा तो हमारा एडिशन होगा, ये वाला पिन एक्टिव होगा तो हमारा सब्सट्रैक्शन होगा, ये वाला पिन एक्टिव होगा तो जंप होगा। इस तरह से हमने ऑपरेशन को हर एक पिन में हमने पहले से डिफाइन कर दिए हैं और उसी के अनुसार ही हमने कंट्रोल लॉजिक गेट को डिजाइन किए हुए रहते हैं। तो यहाँ से जो कंट्रोल लॉजिक गेट में जो इनपुट वाला दूसरा पिन है वो यहाँ से डिकोडर से आ रहा है। ये जो डिकोडर है इसका जो लेंथ है 4x16, यहाँ पर जो आउटपुट है ये 16 बिट हमारा जो है 16 बिट का लगभग हमारा जो आउटपुट होगा।
यहाँ पर जो है चार इनपुट है, एक दो तीन चार, यहाँ पर जो है हमारा चार इनपुट है और चार इनपुट का जितना कम्बिनेशन होगा उतना ही हमारा जो है आउटपुट डिकोडर से निकल रहा होता है और ये डायरेक्ट जा कर के कंट्रोल लॉजिक गेट से जुड़ा हुआ रहता है और उसी उसी के अनुसार हमारा जो है कंट्रोल लॉजिक गेट जो है सिग्नल्स को जनरेट करता है। ये जो है कंट्रोल लॉजिक गेट का जो आउटपुट है ये कंट्रोल सिग्नल है, ये हर एक पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जो कुछ भी ऑपरेशन होता है इन्हीं कंट्रोल सिग्नल्स की मदद से ही होता है। ये ब्रेन की तरह काम करता है, कौन सा पार्ट क्या कर रहा होता है, कैसे करेगा, कब कहाँ से कैसे रुकेगा, कब जाएगा, कब किस रजिस्टर में कौन सा डेटा होगा, इसके पास हर चीज़ का जो है कंट्रोल होता है। और डिकोडर के बारे में बता दिए, अभी ये जो है चार बीट का सीक्वेंस काउंटर है, ये एक काउंटर है, यानी इसका तीन इनपुट है, पहला है इंक्रीमेंट और दूसरा है क्लियर और तीसरा है क्लॉक। क्लॉक जो है एक ही टाइम में हाई होगा, एक ही टाइम में लो होगा, एक ही टाइम में हाई होगा, इसी तरह से एक पल्स जनरेट करेगा। और ये इंक्रीमेंट जो है जब ये इंक्रीमेंट एक्टिव होता है तो ये जो है सीक्वेंस काउंटर जो है काउंट करना शुरू कर देता है। यानी कैसे काउंट करेगा, बाइनरी फॉर्म में, जैसे 0001 इस तरह से 010 होगा, यहाँ पर गलत देखते 1010 होगा, इसके बाद 1110 होगा, 00 होगा, 01 होगा, 10, इसके बाद 11, इसका कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया। अगर इसको जो है काउंटिंग और ज़्यादा बढ़ाना है तो इधर और एक बीट बढ़ा देते हैं, 00 होगा इधर, फिर 100, फिर 101, फिर 110, इस तरह से चलेगा, जितना कॉम्बिनेशन बनता है उतना चलेगा। अब जो है हमारा जो यहाँ पर जो है ये काउंट करेगा, यहाँ पर जो है ये चार बिट का सीक्वेंस काउंटर है, ये काउंट करेगा और यहाँ जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और यहाँ जो है ये जो इंस्ट्रक्शन जो है तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है, ये वाला पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है तीन बिट यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये जो है ऑप कोड को दर्शा रहा है। ऑप कोड का मतलब ऑपरेशन, एक ऑपरेशन को हम कोड के रूप में, बाइनरी कोड के रूप में दिए हैं, डिफाइन किए हैं। और ये वाला जो लास्ट वाला बिट जो है ये मोड को दर्शा रहा है, कौन सा मोड पर हमारा जो इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर हमारा डेटा भी हो सकता है और एड्रेस हो सकता है। अगर ये एड्रेस होता है तो ये एक तो एड्रेस बस में जाएगा या कहीं मेमोरी में या रजिस्टर में स्टोर होने के लिए जाएगा एड्रेस, या दूसरा अगर डेटा है तो वो एक तो ऑपरेशन के लिए जाएगा या फ़िलहाल के लिए कहीं रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। और ये मोड को बता रहा है और ये ही डिसाइड करता है कि यहाँ पर डेटा आया है या एड्रेस आया है, यही डिसाइड करता है। इसी की वजह से यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेटा है या एड्रेस है। तो इस तरह से हमारा जो है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट जो है डिज़ाइन किया गया है। और ये जो है किस तरह से काम करता है, तो यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर इंट्रक्शन है, यहाँ पर जो कंट्रोल लॉजिक गेट में इनपुट की तरह काम कर रहा है और इधर से यहाँ टाइमिंग जा रहा है।
तो वास्तव में जो है यहाँ इंट्रक्शन आता है। मान के चलो इंट्रक्शन में ये तीन पार्ट में जो है हमें ऑपरेशन ऐड का जो है ऑपरेशन ओप कोड आया है। ये बाइनरी फॉर्म में होता है लेकिन हम इसे समझने के लिए ऐड लिखते हैं। मान के चलो ये ऐड ऑपरेशन करने वाला यहाँ पर बाइनरी कोड आया है, तो यहाँ पर मान के चलो एक पिन एक्टिव होगा, ये वाला पिन एक्टिव होगा, ये वाला पिन एक्टिव होगा और हमारा जो है शुरुआत में जो पिन ये वाला पिन क्लियर रहेगा तो ये तो ऑन ऑफ वैसे ही होते रहेगा, क्लॉक पल्स जनरेट करेगा और ये वाला पिन जो है हाई हो जाए एक्टिव हो जाएगा। मतलब इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि ये काउंट करना शुरू कर देगा। जैसे ही ये एक्टिव होगा तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट होते जाएगा, एक एक कर सिलेक्ट होगा, यानी जीरो पर यहाँ पर जीरो में ये वाला सिलेक्ट होगा, अभी भी ये एक्टिव है यानी हमें ऐड का ऑपरेशन करना है, ये अभी भी एक्टिव है, ये ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ काउंट होगा, जीरो था शुरू में तो जीरो में ये एक्टिव रहेगा, इसके बाद ये काउंट करेगा वन तो ये एक्टिव होगा, ये काउंट करेगा टू तो ये एक्टिव होगा, इसके बाद थ्री फोर फोर ये वाला एक्टिव होगा, फिर ये ऑफ हो जाएगा, फोर फाइव ये वाला एक्टिव होगा, फिर ये सब ऑफ रहेगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा, फिर ये सब जो है ऑफ हो जाएगा, इसी तरह कैसे काउंट करते जाएगा। कहीं पर भी बीच में भी यहाँ पर भी इसका ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा या यहाँ पर भी परफॉर्म हो सकता ऑपरेशन, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ ऑन सेलेक्ट करते जा रहा है, टाइम बाय टाइम हर काउंट के साथ ये सेलेक्ट करते जा रहा है इधर, और ये वाला जो पिन है इस तरफ यहाँ पर ऐड का ये अभी भी एक्टिव है, यानी ये सब एक राउंड यानी घूम रहा है, एक राउंड चक्कर मार रहा है और इसके एक राउंड पर ये एक्टिव रहता है। राउंड मारते समय ये जो है ऑपरेशन यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो रहा होता है, यानी एक हर एक टाइमिंग सिग्नल्स पर यहाँ पर कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा होता है और जिस तरह से जनरेट होगा उसी तरह के से डाटा रजिस्टर में इधर उधर ट्रेवल करता है, यानी ऐड का ऑपरेशन करने के लिए ही ये सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये अभी भी एक्टिव है, यहाँ पर जो है एक तरफ से एक्टिव होते जाएगा, ऑफ होते जाएगा, इधर पीछे वाला ऑफ होते जाएगा, फिर अगला वाला एक्टिव होते जाएगा, यहाँ बीच में जो है कहीं पर भी जो है ऐड का ऑपरेशन ख़त्म हो सकता है। जहाँ पर भी ऐड का ऑपरेशन ख़त्म होगा तो इस वाले पिन को क्लियर का सिग्नल मिलेगा यानी एक्टिव हो जाएगा, जैसे एक्टिव हो जाएगा तो फिर जीरो में आ जाएगा, तो इसको पता चलता है कि हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। अब दूसरा वाला इंट्रक्शन को इसमें लोड करो, जैसे दूसरा वाला इंट्रक्शन उसी तरह से लोड हो जाएगा, फिर इसको डिकोड करेगा, यहाँ पर समझने का काम हो रहा है, फिर उसके साथ क्या करना है यहाँ पर डिसाइड होता है, और यहाँ पर जो है हर एक टाइम पर जो है टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने का जो है निर्देश यहाँ से आदेश मिल रहा होता है और यहाँ पर टाइमिंग कंट्रोल सिग्नल जो है जनरेट हो रहा होता है। तो इसका यही काम होता है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट पर, और इसका जो है बेसिक कंप्यूटर में इसका जो है जो रूल है बहुत ज़्यादा होता है और इसी की वजह से पूरा कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल होता है, और ये जो है बेसिक कंट्रोल बेसिक कंप्यूटर का जो है कंट्रोल लॉजिक गेट है, और इसको जो है हार्डवेयर तरीके से डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसको हार्डवेयर कंट्रोल लॉजिक गेट कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही,
अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे रूल क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे तैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका यही काम होता है, मीन्स यहाँ पर किसी किसी डायग्राम में आपको एक ही एरो दिखाया रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से एक ही कंट्रोल आउटपुट निकल रहा है। यहाँ पर जो है कंट्रोल सिग्नल का जो रिक्वायरमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ से जो है कंट्रोल सिग्नल निकाला जाता है। यहाँ से पूरे रजिस्टर को कंट्रोल करने के लिए, मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए, और ये वाला पिन को भी कंट्रोल करने के लिए, या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी कंट्रोल करने के लिए यही वाला जो कंट्रोल सिग्नल जो है हर जगह जाता है। यही वाला जो कंट्रोल सिग्नल है इसको भी कंट्रोल करता है, इसको भी कंट्रोल करता है, या इसको भी फ्लिप फ्लॉप से है इसको भी कंट्रोल करता है, हर चीज़ को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। इसका हम फुल वीडियो ले रहे हैं ताकि आप लोग को एक ही साथ सभी डायग्राम जो है दिखाई दे, इसलिए हम इसको ऊपर जो है एक ही वीडियो में सब कुछ है डायग्राम आ जाए, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं।